चैनल ऑल ग्रेट नेचुरल और मैं हूँ अनामिका और आज आप लोग से शेयर करने वाले हैं ये वाला मेकअप लुक। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बराबर में एक नोटिफिकेशन बेल भी होगा उससे भी जरूर हिट कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो ड्रेस पहना हुआ है मैंने ये मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी और बाकी भी जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है उनका भी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिए अच्छी अच्छी रील देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फेशियल टिश्यू लिया है, इससे मैंने पूरी फेस को क्लीन कर लिया है। देन मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर गुड वाइब्स का ये लेवेंडर टोनर। उसके बाद मैंने एक मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है जो कि है गुड वाइब्स का। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर प्राइमर यूज़ किया है जो कि है NYV का। जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर मेबलिन का फाउंडेशन लगाया है, इसको मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पर इक्वली लगा लूँगी। देन मैं एक ब्रश की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल ना हो तो आप पफ के हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं या फिंगर की हेल्प से भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, अगर ब्लेंड ठीक से नहीं करेंगे तो आपका फाउंडेशन कुछ टाइम बाद काला पड़ जाएगा और फेस अच्छा नहीं दिखेगा। मैंने इसको यहाँ पर अपनी नेक तक भी अप्लाई किया है ताकि मेरा फेस और नेक इवन दिखे। उसके बाद मैंने अपने लिप्स को भी यहाँ मॉइस्चराइज किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया है ये कंसीलर जो कि है वेट एंड वाइल्ड का, इसको भी हम सेम ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। आईलिड पे भी मैंने सेम कंसीलर यूज़ किया है, इसको भी हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। और मैंने कुछ हाइलाइटेड पॉइंट पे भी यही कंसीलर लगाया है, फॉरहेड पे, नोज़ पे या फिर जहाँ भी कोई डार्क स्पॉट हो आपके फेस पे तो वहाँ पर ये कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर NYV का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ब्रश की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से लगाया है, अगर आपके पास पफ हो तो आप उसकी हेल्प से भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं। देन बारी आती है कॉन्टूर की, तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखिए इस लाइन से आपको कॉन्टूर करना है और ये वाला ब्रश आपको लेना है। इसी से मैंने पाउडर अप्लाई कर लिया था और इसके बाद मैंने यहाँ पर कॉन्टूर स्टार्ट कर दिया है और अपर डायरेक्शन में हम यहाँ पर चीक को कॉन्टूर करेंगे। अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो आप अपना जो चिन एरिया है उसको भी अच्छे से नीचे के साइड कॉन्टूर कीजिए तो आपको जो डबल चिन है वो कम दिखेगा। फॉरहेड अगर आपका काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है तो उसको भी आप थोड़ा छोटा दिखा सकते हैं। देन मैंने यहाँ पर ब्लशर अप्लाई किया है, तो ब्लश के लिए मैंने एक ब्रश लिया है उसी की हेल्प से मैंने यहाँ पर ब्लश लगाया है। मैंने यहाँ पर पिंक शेड ब्लश का लगाया है, आप चाहे तो पीच भी इस ड्रेस से मैच करेगा। फिर बारी आती है आई मेकअप की, तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर हिलेरी रोडा की पैलेट यूज़ की है और उसमें से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन शेड लिया है और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको अपनी क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया है। आई शेडो हम यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई हैश लाइन ना दिखे और मैंने यहाँ पर क्लोजअप में दिखाया है ताकि अच्छे से आपको पता लगे कि कैसे ब्लेंड करना है। सेम मैं ब्रश से अपनी सेकेंड आई पे भी ब्लेंड कर रही हूँ। फिर एक यहाँ पर मैं पर्पल शेड ले रही हूँ और जो इससे फ्लैट ब्रश है उसकी हेल्प से मैं अपनी आउटर कॉर्नर पर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मेरा ड्रेस थोड़ा सा पर्पल है इसीलिए मैंने यहाँ पर पर्पल शेड यूज़ किया है। सेम ब्रश की हेल्प से मैं जो मेरा दूसरा आई है उसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पर आउटर कॉर्नर पे लगा लूँगी। देन मैंने यहाँ पर दूसरी पैलेट यूज़ की है और इसमें से मैंने ये जो स्पार्कल शेड होता है वो मैंने यूज़ किया है, थोड़ा सा वाइटिश शेड है। अगर आपके पास हाइलाइटर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो इसको मैंने हाफ आईलिड पे अप्लाई कर लिया है। तो ये रहा मेरा, देखिए एक आई मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। सेकेंड आई में मैं इसी तरीके से अप्लाई कर लूँगी और इन दोनों को मर्ज करने के लिए मैं दोबारा पर्पल शेड लूँगी और सेम ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से मर्ज कर दूँगी। अब एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं जो लोअर आई लैशेज हैं वहाँ पर मैं यही पर्पल शेड अप्लाई करूँगी ताकि मेरा आई लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे।
अब मैं यहाँ पर अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ। तो आईब्रो फिल करने के लिए आप चाहे तो अगर आपके पास कोई आई शेडो पैलेट में अगर ब्लैक शेड है या ब्राउन शेड है उसकी हेल्प से भी आईब्रो फिल कर सकते हैं एक आईब्रो ब्रश की हेल्प से, या फिर आपके पास आईब्रो पेंसिल है तो उसकी हेल्प से भी आईब्रो फिल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक ब्लू आईलाइनर ले रही हूँ। ये लोकल मार्केट से लिया हुआ आईलाइनर है, आई थिंक 150 इसका प्राइस होगा। तो मुझे बहुत ही लाइट चाहिए था इसीलिए मैंने ये वाला आईलाइनर लिया था। मुझे बहुत डार्क नहीं चाहिए था, एक हल्का सा ड्रॉ चाहिए था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। थोड़ा सा ब्लैक शेड लेके मैं यहाँ पर अपनी लोअर आई लैसेस है वहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरी आई लैशेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखे, जो आई लुक है वो अच्छा दिखे। फिर मैंने यहाँ पर मस्कारा यूज़ किया है, तो मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पर मेबलिन का कर्लिंग मस्कारा लिया है और इसको मैं अपने अपर आई लैशेज और लोअर आई लैशेज दोनों के ही अप्लाई करूँगी। देन बारी आती है हाइलाइटर की, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। तो एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से मैं अपनी चीक को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी और जो भी हाइलाइटेड पॉइंट है लाइक नोज़ हुआ और चिन हुआ फॉरहेड हुआ उसको भी हम अच्छी तरीके से इसी ब्रश की हेल्प से हाईलाइट कर लेंगे। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ किया है, आपके पास जो अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकती हैं। एक ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर ब्रोवोन को भी हाईलाइट कर लेती हूँ और आईज़ के इनर कॉर्नर को भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर लिया है। और अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर ये वाली लिपस्टिक यूज़ की है। इसका लिंक मैं आपको नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ये मैंने मार्केट से ली थी, तो इसका मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था और परचेज लिंक नहीं है मेरे पास, लेकिन सिमिलर सेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो वहाँ से आप एक बार देख सकते हैं। तो मुझे ये लिपस्टिक थोड़ी सी लाइट लगी मेरे आउटफिट और मेरे मेकअप के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद मैंने ये कलर कोड की लिपस्टिक है उसको ऊपर से लगा लिया था और जो कि मुझे उसके बाद अपना लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये वाला लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखना है। गाइस मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वहाँ भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।